मैसेल मुकुल चोपड़ा, आज मैं आपको बता रहा हूँ टेस्टिंग ऑफ अर्थ विदाउट ओपनिंग द बोर्ड। अर्थ खोल बोर्ड खोले बगैर हम अर्थ कैसे चेक करते हैं। टेस्टिंग ऑफ अर्थ विदाउट ओपनिंग द बोर्ड, यानी कि बोर्ड बगैर खोले हम अर्थ कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको जरा अंदर का डायग्राम बता देता हूँ कि कैसे अर्थ का कनेक्शन किए जाते हैं। ये इसका न्यूट्रल है, यानी नेगेटिव बोलता है कोई, न्यूट्रल बोलता है इसको। तो ये आपका न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल इसके यहाँ पे सॉकेट पे आ गया। ये इसका लाइन है, यानी कि पॉजिटिव बोलता है कोई, इसको फेज बोलता है। ये पॉजिटिव में आ गया, जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये आपका जो अर्थ है ये यहाँ पे आ गया, ये अर्थ इसका भी ऐसे ही है, स्विच ऑन करेंगे तो फेज यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका न्यूट्रल लाइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही बोर्ड के कनेक्शन होते हैं इन साइड में। ठीक है, अब मैं आपको आउटसाइड के आपको बताता हूँ। ये ऐसे कनेक्शन हो रखे हैं, ये बोर्ड बड़ा है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड में कनेक्शन ऐसे हो रखे हैं, ये वाले, ये देखो, ये उल्टा बोर्ड रखा हुआ है। तो ये इस तरह से ही है, ये ऑन करने पे फेज यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, ये ऑन करने पे फेज यहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रल इसका सीधा यहाँ पे यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है जी, ये आ रहा है, और ये जो अर्थ है यहाँ से अर्थ, ये खरीदार जो अर्थ किया है। ठीक है, अभी इसको हम बोर्ड को बंद कर देंगे, फिर इसको हम टेस्ट करना बताएंगे आपको कैसे। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बोर्ड बगैर खोले हम मीटर के पैसे से आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ पे वी लिखा है वोल्टेज एसी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहले रख के ये पहले एसी की रेंज में लाएंगे ये वाले को, और उसको फिर हम पहले वोल्टेज नापेंगे आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, ये देखो आ रही है 225 वोल्ट आ रही है। तो इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी, और ऑन करेंगे तो ये आ जाएगी, ये 225 वोल्ट आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं इसको अर्थ के बीच में लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये आ रही है 2 से 3 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों में गैप होता है, फर्क होता है वोल्टेज में। ठीक है, तो ये मैंने आपको मीटर के द्वारा बता दिया, तो आपको इतना समझ आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगाऊंगा तो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है वोल्टेज, और इन दोनों में भी फ़र्क आ रहेगा वोल्टेज का जब मैं चेक करूँगा यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ चेक करूँगा मैं ये, तो इसमें देखो ये आपका 226-27 आ रही है, और यहाँ पे आ रही है कितनी, 225, यानी कि आपकी 2 वोल्ट का फ़र्क आ रहा है। इसकी जो अर्थवली की है आपकी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अर्थवली की ज़्यादा आ रही है ना, तो ये आपका दोनों में फ़र्क है इन दो। तो ये मैंने आपको मीटर से चेक करके बता दिया, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इसके अर्थ की रीडिंग ज़्यादा क्यों आती है? सर, अर्थ की रीडिंग जो है, जो अर्थ जो हमारे जमीन से लिया जाता है, अर्थ की रीडिंग इसकी ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि अर्थ के द्वारा ही चल रहा है ये 26। ज़्यादा वोल्टेज का फर्क नहीं होता, इन दोनों में आपस में नापेंगे तब भी अर्थ का फर्क होता है 3 वोल्ट का। ठीक है, तो अर्थ की ज़्यादा होती है इसके। तो अगर आपका अर्थ कमज़ोर होगा फिर आपकी रीडिंग, अर्थ का बल्ब भी आपका कम जलेगा अगर हम बल्ब से चेक करेंगे। तो मैं आपको मीटर से चेक कर रहा हूँ। अर्थ होता क्यों है? क्या जी, ये अर्थ होता क्यों है? अर्थ क्यों होता है वो आपको आगे जाके बताऊंगा चैप्टर में, पर आपको ये अर्थ क्यों होता है वो अलग बात है। पहले हम तो ये जो बता रहे हैं कि ये बगैर खोले हम अर्थ बोर्ड को कैसे अर्थिंग चेक कर सकते हैं। सर, बिना मल्टीमीटर के हम अर्थ चेक कर सकते हैं घर पे? हाँ जी, हम बल्ब के होल्डर से भी चेक कर सकते हैं। सर, दिखाओगे हमें चेक करके? हाँ जी, होल्डर लिया है और एक मैंने बल्ब लिया है, ये 15 वाट का। ठीक है, तो ये जो आपका जो बल्ब है जिसको 0 वाट भी बोलते हैं, मैंने कम का लिया क्योंकि वीडियो में ज़्यादा रोशनी, हम 100 वाट के बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने आप लगाया है यहाँ पे, ये आपका बल्ब जल रहा है। तो अगर मैं इस पर न्यूट्रल अर्थ पे लगाऊंगा, अर्थ और न्यूट्रल पे लगाऊंगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बल्ब ये जलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कोई ख़ास फर्क नहीं है, दोनों फुल जल रहे हैं। ठीक है जी, अगर इसमें अर्थ में बल्ब बहुत डिम जले तो आपका अर्थ कमज़ोर है। ठीक है, right, तो अगर आप अर्थ, अगर ये बल्ब जले ना बिल्कुल भी यहाँ पे भी, जबकि आपकी इसके अंदर बोर्ड के अंदर हरी तार लगी हुई है, ये देखो, तो इसका मतलब कि आपके पीछे से MCB बोर्ड से आपके अर्थ की तार नहीं लगी हुई, यहाँ वहाँ पे कोई कार्बन आया हुआ है और लूज कनेक्शन है, या बीच में से कहीं कटी हुई है। ठीक है जी, तो ये हम बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, और हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, डिजिटल मीटर से भी चेक कर सकते हैं, ये इन दोनों में है वो। तो आप जैसे मर्जी आप चेक कर सकते हो कि आप बगैर खोले कहीं भी आप जाते हैं रिपेयर करने के लिए भी अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो उसके बारे में है। इसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भी अर्थ हम लगाते क्यों हैं, क्यों उसका क्यों काम होता है।
ठीक है जी, इतना। सर इस सॉकेट में जो अर्थ का लाइन है वो मोटा क्यों होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये दोनों जो होते हैं ब्रीक होते हैं, ये मोटा होता है। ये ऐसा करके होता है कि जब अर्थ कुछ चीज़ हो जाती है हमारी, जो गैजेट जैसे गीजर है या वॉशिंग मशीन है, अगर ये लूज कनेक्शन है, ये जो है मोटा इस करके होता है कि ताकि अर्थ लोड सह सके और ये एक्टिवेट काम करे। अगर हम ब्रीक वाला किसी सॉकेट में भी देख लेना, ये आपका बड़ा बड़ा होता है, मोटा वाला होता है ये वाला, तो इस करके लगाया जाता है। अगर ब्रीक लगाएंगे तो वो स्पार्क हो जाएगा। आपको पता है कि फेज वाला जो है आमतौर पर सड़ता है, ऐसे ही यहाँ पे अर्थ वाला है, अर्थ वाला मोटा इस करके लगाया जाता है। ये मोटा है, ये देखो, ये पीछे से भी देख लो। इसका प्लग भी जो होता है, शू भी जो प्लग लगता है वो भी 3 पिन का, वो भी मोटा होता है, ठीक है। तो इस करके अगर कोई आपकी वॉशिंग मशीन चल रही है, कुछ भी हो, तो ये पकड़ टाइट इसमें आए और ये ताकि तो मोटा होता है अर्थ ज़्यादा लोड सहने के लिए, स्पार्क ना हो, ताकि ये पतला हुआ स्पार्क हो सकता है। हाँ जी, और कुछ पूछो सर। हमें अर्थ लगाने का बेनिफिट क्या है घर पे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अर्थ की तार आमतौर पे लोग काट देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, अगर चलते चलते आपकी प्रेस अर्थ हो जाए, अगर तो पार्शल अर्थ होगी, ज़्यादा से अर्थ होगा तो आपका जो है करंट आपको कांटेदार चुभेगा। तो अगर आपने अर्थ लगा होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा प्रेस पूरी तरह से अर्थ हो गई है, फिर इसका मतलब कि आपका जो है MCB आपका ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेस लगाओगे MCB ट्रिप हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इसका मेन अर्थ का कार काम यही है कि कोई भी हम गैजेट है, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, गीजर है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, जो हमारे अर्थ जिसमें अर्थ यूज़ होता है, वो आपको करंट लगने के प्रोटेक्ट करता है, करंट ना आपको लगे। राइट सर। हाँ जी सर, हम अर्थ का इस्तेमाल छोटे इक्विपमेंट पर कर सकते हैं कि बड़ों पर ही कर सकते हैं कल? नहीं है, जैसे TV में LCD में अर्थ नहीं होता। जैसे हमारे प्रेस है, हीटर है, टोस्टर है, सैंडविच है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, जिसमें ज़्यादा करंट होता है उसमें हमारा अर्थ ये यूज होता है अर्थ का। राइट सर। हाँ जी सर, अगर न्यूट्रल खराब हो गया तो हम अर्थ लगा सकते हैं उसमें सर? हाँ, न्यूट्रल खराब नहीं होता। न्यूट्रल अगर पीछे से आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल आपका नहीं आ रहा पीछे से, तो अगर आप अर्थ लगा भी दोगे तो आपकी लाइट चल पड़ेगी, पर अगर आप उस पर लोड दोगे, AC चलाओगे, कुछ चलाओगे, वो कुछ सेकंड बाद आपको बंद हो जाएगा, तो लोड नहीं उठाएगा। yes. और उसमें फिर ये भी हो सकता है आपकी 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 टूटियों में करंट भी आता है, जिसकी में अगर आपकी PVC आजकल पाइपें लगी होती, पहले आपकी कंड्यू पाइप होती थी, कंड्यू पाइप में करंट आ जाता है, ठीक है। अर्थ हमारा काम, अर्थ हम लगाएंगे तो मीटर भी आपका फास्ट चलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं शेयर वर्ड इस करके इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों से जितना शेयर करोगे उतना लोगों को आगे पीपलों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि भी ये वीडियो ये आप देख रहे हो। मुकुल चोपड़ा सब्सक्राइब करोगे वो तब उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने पब्लिक के लिए डाला है, आम पब्लिक के लिए, कि भी घरों में आमतौर पर करंट लगता है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे घर में अर्थिंग है कि नहीं है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद जरूर आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।